अस्सलाम वालेकुम, मैं उषा कुसाना और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए, जो कि हमारा रेगुलर स्ट्रीमिंग चैनल भी है और हमारा यूट्यूब चैनल भी है। और इसके साथ साथ टी टी वी एडेट, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। और फिर इसके साथ साथ हमारा ओल टी टी प्लेटफॉर्म है वी टी फ्लिक्स, जिस पर आप देख सकते हैं 2500 लाइव चैनल एनी टाइम एनी वेयर इन योर ओन लैंग्वेज। तो आज हम आपके लिए कौन सी डिश लेकर आए हैं? आज हम बना रहे हैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी बीफ अचार कढ़ाई। और लेकिन मैं साथ साथ आपको ये कहती चलूँ कि जिन लोगों को भी कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो वो बीफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, या किसी को कोई रिलीजियस इश्यूज़ हैं तो वो बाकी मीट से चिकन से बना सकते हैं, और दूसरे जो मीट है गोट से उससे मीट से भी इस कढ़ाई को आप इजीली तैयार कर सकते हैं। तो फिर ये बड़ी जल्दी सी बड़ी लजीज बड़ी टेस्टी सी डिश है, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमें इंकरेज ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग हमें इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और हमारी डिशेज को पसंद भी करें। इफ यू वुड लाइक एंड वुड इंकरेज आवर डिशेज, देन आई विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यम्मी एंड टेस्टी डिशेज फॉर यू इंशाल्लाह ताला। जी व्यूअर्स, तो आज हम आपके लिए जो बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी बड़ी यम्मी सी अचारी कढ़ाई, तो इसमें हम कौन कौन से अचार शामिल करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि मैंने लिए थे यहाँ पे बिल्कुल कुछ छोटे साइज़ के 2 से 3 टमाटर, इसको हमने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही के, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट होता है जो खोपरा कहलाता है, इसी तरीके से मैंने लिया है जीरा 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून हमने लिया है साबुत धनिया का। साथ ही मेरे पास काली मिर्च सफ़ेद मिर्च है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून लिया है, ग्रीन चिलीज लिए, और ये जो मसाला हमारे पास ये 2 तरह के मसाले हुए हमने इसमें डाला है, कढ़ाई मसाला 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हमने डाले हैं इसमें अचार मसाले का। साथ ही मेरे पास है साबुत लाल मिर्च है। मैंने ले लिया है यहाँ पे गोश्त, और ये मेरे पास है तकरीबन 1/2 किलो गोश्त, और हमने इसको इस तरीके से छोटी बोटियों में कट करवा लिया, और हमने इसको सारी रात के लिए ओवरनाइट रख दिया था। हमने इसमें मीट एंड राइस मिलाया था जो कच्चा पपीता कहलाता है, उसको मिला के हमने ओवरनाइट रख दिया था ताकि हमारा गोश्त जो है वो जल्दी से जब हम पकाएं तो गल जाए। और फिर मैं आपको एक बार बताती चलूँ कि जो आप कच्चा पपीता इस्तेमाल करते हैं उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता गोश्त को टेंडर करने के लिए। अगर आप पक्का पपीता इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है गोश्त को टेंडर करने के लिए। तो हमने ओवरनाइट रख दिया था, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी रही तो हमने ले ली है एक कढ़ाई, और इसमें हम ऑयल डालेंगे 1/2 कप से ज़्यादा हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर, और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में हम शाइनिंग के लिए थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे, 1/2 कप का ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटोज़ को और बाकी सारे मसाले डाल के गोश्त को डालेंगे, और डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और उसके बाद हम इसके टेंडर होने का 30 से 40 मिनट तक हम इसको रख देंगे गलने के लिए। जेबर्स, तो हमने ऑयल डाल दिया कढ़ाई के अंदर, और डालेंगे गोश्त हमारे पास, हमने इसको ओवरनाइट रखा था। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, गोश्त जल्दी गल जाए। आपको पता है चिकन तो सिर्फ स्टीम में ही गल जाती, लेकिन जब आप मीट से कोई भी कढ़ाई बनाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। या तो आप व्यूअर्स ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम इफ यू हैव अ टाइम तो यू कैन यूज़ प्रेशर कुकर, उसमें भी आप उसको टेंडर कर सकते हैं, और उसकी जो यखनी होगी वो बाद में आपकी ग्रेवी में उसमें हांडी में भी इसमें कढ़ाई में भी काम आ जाती है। इस तरीके से हम फ्राई करेंगे तेज़ आंच को, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डालने के लिए हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन नमक और बाकी जितने भी स्पाइसेस हैं वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो हमने लिट को हटा दिया है, और हमने 1 ग्लास पानी भी डाला था इसमें, और हमारा गोश्त भी टेंडर हो चुका है, और हम इसमें डालेंगे टमाटो, साथ इसमें डालेंगे अचार मसाला, और हमारे पास था कढ़ाई मसाला 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे। भी डाल दिए हैं अचार मसाला भी डाल दिए, कढ़ाई मसाला भी 1 टेबल स्पून हमने डाला है, साबुत लाल मिर्च भी हम उसमें डाल देंगे, और उसके साथ मेरे पास था ये सफ़ेद मिर्च काली मिर्च ये भी डाल देंगे 1/2 टी स्पून मैंने ली थी। फिर साथ ही मेरे पास जो था ये साबुत धनिया और जीरा 1 टेबल स्पून ये भी डाल देंगे इसके अंदर, और उसके साथ तेज़ आँच में करेंगे भुनाई, और इंतजार करेंगे हमारे जो टोमेटोज हैं वो उसके अंदर टेंडर हो जाएँ, और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल स्लो आंच पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप दही ऐड करेंगे तो बिल्कुल स्लो आंच पर 2 टेबल स्पून हमने, और 2 से 3 टेबल स्पून हमने योगर्ट के बीच में डाल दिए, और हम इसको रख देंगे आप दम वाली आंच पर। हमने इसमें 1/2 लहसुन भी डाल दिया है, और जितने मेरे पास टोमेटो थे उनके हमने स्किन को भी रिमूव कर दिया है, और उस तरीके से हम इसकी तेज़ आंच में थोड़ी सी कर लेंगे भुनाई, और भुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे जो कि हरी मिर्चें, 1/2 लहसुन भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, गरम मसाला भी डाल दिया है, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पिसा खोखरा 1 टेबल स्पून,
और हमारी जो अचारी कढ़ाई का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है बहुत ही मज़े का, जिससे हमारी कढ़ाई बनेगी बहुत ज़्यादा लजीज, बहुत ही यमी। और आप जब इसे बनाएंगे मेरे रेसिपी से तो यू विल जस्ट लव इट। तो हम इसमें अब डालेंगे हमारे पास जो था अचार, एक टेबल स्पून हमने लिया था आम का अचार, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले के साथ। और इसके हम तेज़ आंच पे करेंगे भुनाई, और तेज हमारी यमी सी हमारी जो कढ़ाई है हो जाएगी तैयार। और देखें कितनी यमी, कितनी लजीज लग रही है। आखिर में हम इसमें गार्निश और इसमें डालेंगे हरा धनिया। व्यूअर्स, तो आप देखेंगे हमारी ये अचारी कढ़ाई कितनी यमी, कितनी लजीज बन चुकी है। हमने इसमें अचार भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, गरम मसाला भी डाल दिया, कोकोनट पाउडर भी हमने डाला 2 टेबल स्पून इसमें, और जो टमाटोज थे उसके भी हमने स्किन को रिमूव कर दिया, निकाल दिया है। और इसमें देखिए ज़बरदस्त है कितना ये सी, आप शक्ल देखिए कितनी लजीज, कितनी यमी हमारी कढ़ाई लग रही है। और फिर उसमें डाला है ऑयल थोड़ा कम, अगर आप चाहें तो ऑयल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में एट द टाइम ऑफ गार्निश वी विल पुट इट, हम इसमें डालेंगे जिंजर वो भी बारीक बारीक स्लाइसेस में, और कोरिएंडर डालेंगे, और आपको उसकी हम फाइनल प्रेजेंटेशन करके बताते हैं। बस तो हमारी अचार कढ़ाई हो गई है बिल्कुल तैयार। देखेंगे कितनी यमी, कितनी टेस्टी, कितनी डिलीशियस लग रही है। और आप इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और हमें करिएगा इनकरेज, ताकि हम आपके किसी तरीके से नई नई और ज़बरदस्त सी लजीज सी डिशेज जो है लेकर आते रहें और आपके लिए बनाते रहें। और इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। देखा कि हमने आज आपके लिए बनाई है बीफ अचारी कढ़ाई, और ये बड़ी यमी और बड़ी डिलीशियस बनी है, और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप व्यूअर्स, जो हमारी शो है देसी कुकिंग रेसिपीज, जिस पे हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज सिखाने हैं, तो ये आप देख सकते हैं हमारे तमाम चैनल्स पर, जिनमें देसी टीवी वैसे जो कि हमारा रेगुलर स्ट्रीमिंग चैनल और यूट्यूब चैनल है, साथ साथ जी टी वी एन एफ जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके साथ साथ हमारा प्लेटफॉर्म ओ टी टी डी टी प्लस पर भी आप 2500 चैनल देख सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर इन द ओल्ड लैंग्वेजेस। तो आप ये जरूर तैयार कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया कि हर प्रोग्राम के एंडिंग में हम आपको एक टिप बताते हैं, वो आपकी हेयर, आपकी फेस और किचन से रिलेटेड होती है। तो आज हम बताएंगे कि आप हेयर मास्क कैसे तैयार करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयर जितना खूबसूरत रहे और भी शाइनिंग भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, तो आपको कुछ चीज़ों का बनाना होगा कंपाउंड, उस तरीके से आप उनको अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आपको लेना होगा सरसों का तेल, जो कि बालों के लिए मेन था अच्छा होता है। इसके साथ ही आप उसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे अंडा, और उसके इस तरह आप इसको बना लेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपसे अपने हेयर पर अप्लाई कर लेंगे, और 1 से 1.5 घंटे तक आप उसके बाद आपसे रिसर्व कर देंगे, वॉश करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जिनके बाल बहुत ज़्यादा डल हैं उनमें शाइनिंग बिल्कुल नहीं, तो नहीं करना होगा कि मेयोनीज जो होती है वो आपने अपने हेयर पर अप्लाई कर लेना है, और उसके साथ ही एक नीम गर्म टावल लेके बालों को रैप कर लेना है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने 1 से 1.5 घंटे तक इसी तरीके से रहने के बाद आपने बालों को वॉश आउट करना है। इस तरीके से आप देखेंगे अगर आप ये रेमेडीज रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपके बाद जितना खूबसूरत और हसीन नजर आएंगे। तो व्यूअर्स, अपना रखिएगा ढेरों ख्याल, हमेशा हेल्दी पकाइए, हेल्दी खाइए, क्योंकि सेहत ही दौलत है। अल्लाह हाफिज। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो, एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सो के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें, हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।